अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, आई होप यू आर ऑल सेफ एंड साउंड एट योर होम्स। स्टूडेंट्स ओपन योर इंग्लिश बुक पेज नंबर 54। इट्स टॉपिक इज अ फिट एंड हेल्दी लाइफ, एक चुस्त एंड सेहतमंद जिंदगी। रीडिंग्स आउटकम्स में हमारे पास है रीडिंग स्ट्रेटजीज, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, इन्फ्लेक्शनल एंडिंग, कंपाउंड वर्ड्स, प्रोनाउंस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड फॉर पोजेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नरेटिव पैराग्राफ। गेटिंग स्टार्टेड में हमारे पास है लुक एट द पिक्चर्स एंड ट्राई टू गैस द एक्शन वर्ब्स इन दैम। हम आप इन पिक्चर्स को देखेंगे और देखेंगे इसमें एक्शन वर्ब्स यानी कि कौन कौन से काम हो रहे हैं। द बॉयज़ आर प्लेइंग, शी इज़ वॉशिंग हर हैंड्स, दिस गाय इज़ ईटिंग। लेट्स टॉक में है वाई इज़ अ गुड स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, एक अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद होना क्यों ज़रूरी है। वट डू यू ईट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, आप अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए क्या खाते हैं। How do you keep yourself fit and healthy? आप अपने आप को चुस्त और सेहतमंद कैसे रखते हैं। What do you do to keep yourself clean? और आप अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में एक स्कूल है, उसकी बच्ची है लुबना। ये जो लोग हैं वो डॉक्टर हारून को अपने स्कूल इन्वाइट करते हैं फॉर पर्सनल हाइजीन एंड रेज अवेयरनेस अबाउट COVID-19। डॉक्टर हारून केम एंड ही आस्क्ड द चिल्ड्रन हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस स्प्रेड ऑफ COVID-19। वो बच्चों से पूछते हैं कि हम COVID-19 के फैलाव को किस तरह रोक सकते हैं। स्टूडेंट वन बाय वन आंसर करते हैं। एक स्टूडेंट कहती हैं वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप एस्पेशली आफ्टर टचिंग समथिंग डर्टी। एक अदर स्टूडेंट्स हैं वो कहती हैं वी शुड वॉश आवर हैंड्स एट लीस्ट 20 seconds। एक बच्चा वासिफ है वो कहता है वी शुड कवर आवर फेस व्हाइल स्नीजिंग। Then Dr. Harrods appreciate these students and ask what do we do when we become ill। Dr. Harun जो बच्चों से पूछते हैं अगर हम बीमार हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। students tell them take medicine, सारा added। Dr. Harun बच्चों से ये कहते हैं कि हमें तब तक medicine नहीं लेनी चाहिए जब तक हमारे elders हैं वो हमें guide ना कर दें। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे हैं, आप वो अपनी बुक पे राइट करेंगे और कुछ वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया, वो आप अपने उनके मीनिंग सर्च करके अपनी बुक पे राइट करेंगे। इस पेज पे मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, वो आप इनके मीनिंग सर्च करेंगे, राइट करेंगे। आप इस पूरे चैप्टर की रीडिंग एज इट इज़ करनी है और इसकी डिक्टेशन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट होते हैं हम क्लास ABC में 5 वाउ लेटर्स के अलावा जितने तमाम लेटर्स बाकी बच जाते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं, और क्लस्टर होता है हमारे पास ग्रुप या मजमुआ। अब यहाँ पे है रीड द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स विद देयर वर्ड्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास कॉन्सोनेंट क्लस्टर होता है जब जैसे आप ये वर्ड देखते हैं BRUSH, इसमें यू हमारे पास एक वाउल लेटर है। इससे पहले आप देखें कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, बी और आर दो कॉन्सोनेंट हैं, तो ये 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें सप्लैश SPLA, अब ए से पहले हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं SPL, तो इन तीनों ने मिलकर एक क्लस्टर बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। ठीक है क्लास, ये 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं और ये 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं। आप एक वर्ड रीड करेंगे और देखेंगे कि वॉल साउंड से पहले जितने कॉन्सोनेंट लेटर्स आएंगे वो उतने लेटर्स पर मुश्तमिल एक क्लस्टर होगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर, यहाँ पे 3 है तो ये 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर लेटर है। अगर कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है वो वर्ड के स्टार्ट में आएगा तो वो होगा इनिशियल पोजिशन पर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर। क्लास यहाँ पे अब हमारे पास फाइनल पोजीशन यानी कि एंड पे, वर्ड के अगर एंड पे कॉन्सोनेंट क्लस्टर आए तो इट्स मीन वो फाइनल पोजीशन पे होगा यानी कि डेस्क। अब एस के जो है वो हमारे पास वर्ड के लास्ट पे आ रहा है तो ये फाइनल पोजीशन पे है और 2 लेटर 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर यानी कि इसमें 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें प्रॉम्प्ट की तो इसमें है MPT, इसमें हमारे पास 3 लेटर्स आ रहे हैं लेकिन जो फाइनल पोजीशन यानी कि लास्ट पे आ रहे हैं वर्ड के तो ये होगा 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन फाइनल पोजिशन। रीडमी बॉक्स में पढ़ते हैं अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 or more कॉन्सोनेंट्स इन अ वर्ड। ईच कॉन्सोनेंट कीप इट्स ओन साउंड इन द वर्ड। अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर कैन बी इन द इनिशियल और फाइनल पोजिशन ऑफ अ वर्ड। उन्होंने कहा है कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो हैं वो हमारे पास फाइनल पोजिशन में भी हो सकते हैं और इनिशियल पोजिशन में भी हो सकते हैं, और एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर में 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स जो हैं आ सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है रीड द गिवन सेंटेंसेस, अंडरलाइन द वर्ड्स विद
कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स एंड राइट देम इन देयर कॉलम्स। यहाँ पे इन हमारे पास पांच सेंटेंसेज हैं, इसमें मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है जिसमें इनिशियल और फाइनल दोनों पोजिशन में कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं। आप इन्हें अंडरलाइन करेंगे और इनकी दी गई प्लेसेस में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन इनिशियल पोजिशन, तो यहाँ पे जो भी कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आ रहे हैं इनिशियल पोजिशन में उसकी एग्जांपल्स आएंगी। और यहाँ पे है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन फाइनल पोजिशन, तो यहाँ पे जो फाइनल पोजिशन यानी कि एंड पे जो आएंगे क्लस्टर्स हमारे पास वो आप यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। यहाँ हमारे पास डायलॉग है एक महामुसिद्रा के बारे में। डायलॉग जैसा कि मैंने आपको बताया था दो लोगों के दरमियान जो गुफ्तगू होती है कन्वर्सेशन होती है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं डायलॉग कहते हैं। आप इस डायलॉग की अपने फ्रेंड के साथ अपने बहन भाइयों के साथ प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। लास्ट इस पेज पे हमारे पास एक्टिविटी है अरेंज अ डिबेट कंपटीशन अबाउट हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड। आप अपने भाई के साथ या अपनी बहन के साथ जो है वो एक डिबेट कंपटीशन या कोई भी डायलॉग जो है वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, वो होगा हेल्थी एंड अनहेल्दी फूड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। क्लास फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द स्कूल इनवाइट डॉक्टर हारून। डॉक्टर हारून को स्कूल ने क्यों इनवाइट किया था। द स्कूल हैड इनवाइटेड डॉक्टर हारून टू टॉक अबाउट पर्सनल हाइजीन मैटर्स एंड रेज अवेयरनेस अबाउट कोविड-19। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड डॉक्टर हारून टेल द चिल्ड्रन अबाउट कीपिंग पर्सनल हाइजीन। आंसर इज ही टोल्ड द चिल्ड्रन टू वॉश हैंड्स फॉर 20 seconds, वेयर मास्क एंड कीप डिस्टेंस। थर्ड इज व्हाई इज द जंक फूड अनहेल्दी डिस्कस। जंक फूड इज अनहेल्दी एज इट मेक्स यू लेजी एंड गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द हार्ट लीवर आई एंड ब्रेन। स्टूडेंट्स आप ये स्टडी करके एज इट इज क्वेश्चंस के आंसर्स अपने नीट कॉपीज पे राइट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास आ जाते हैं इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। एन इन्फ्लेक्शनल एंडिंग इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। स्टूडेंट्स इन्फ्लेक्शनल एंडिंग में हमारे पास वर्ड्स हैं एस ई एस आई एन जी ई डी, यानी कि ऐसी एंडिंग होती है जो हम किसी भी वर्ड के एंड पे लगाकर उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे वेयर है तो मैंने यहाँ पे आई एन जी ऐड किया गया तो ये वर्ड वेयरिंग बन गया। वॉश में ई एस किया तो वॉशेस बन गया। एक्साइटेड में डी ऐड किया तो एक्साइटेड बन गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिविटी है मेक थ्री वर्ड्स विद द गिवन इन्फ्लेक्शनल एंडिंग इन योर नोटबुक। आप क्या करेंगे इन फोर जो एंडिंग हमारे पास दी गई है उनसे तीन तीन वर्ड्स हैं वो बनाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कॉपी का पेज रेडी किया है, आप एज इट इज़ रेडी करेंगे और इन चारों एंडिंग से आपने तीन तीन वर्ड्स जो हैं वो मेक करने हैं। एस का इजाफा एस और यस का इजाफा हमेशा होगा नाउन्स के साथ, आई एन जी का इजाफा होगा वर्ब के साथ और ई डी का भी इजाफा होगा हमेशा वर्ब के साथ। फाइव क्लास नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। A compound word is a combination of two or more words that produce a word with a new meaning. Class compound word एक ऐसा word होता है जो दो words को आपस में मिलाकर बनता है। For example यहाँ पे एक word है sun, यहाँ पे है light। जो दो words हम आपस में मिलाएंगे उनके अपने अपने अलग meaning होंगे। Sun का मतलब सूरज, light में रोशनी, sunlight सूरज की रोशनी। अब जैसे यहाँ पे play खेलना, ground मैदान, playground खेल का मैदान। क्लास आपने इनके मीनिंग्स भी अपने यहाँ पे राइट करने और इन्हें एज इट इज़ राइट करना है। और जब आपने कंपाउंड वर्ड एक नया वर्ड मेक करना है तो उसमें ज़रा भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। क्लास नेक्स्ट एक्टिविटी में है मैच द गिवन वर्ड्स टू मेक कंपाउंड वर्ड्स एंड राइट देम इन देयर इन द गिवन ब्लैंक्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम्स हैं, आप इन्हें मैच करेंगे और इस कॉलम में इस कंपाउंड वर्ड्स में उन वर्ड्स को मेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बटर को आपने मैच किया फ्लाई के साथ तो आपने यहाँ पे लिखा बटरफ्लाई। बाकी एक्टिविटी को आप एज इट इज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है रीड द गिवन रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पे हमारे पास फाइव ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है द स्कूल इनवाइटेड डैश कारपेंटर लॉयर जज डॉक्टर। तो आप डॉक्टर यहाँ पे जो सही हमारा आंसर है उसे यहाँ पे राइट करेंगे। बाकी एक्टिविटी आप एज इट इज सॉल्व करेंगे। एनालिटिकल रीडिंग में हमारे पास है सर्व द इंटरनेट एंड रीड अबाउट हाउ स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी एंड फिट एंड नोट डाउन सम डिटेल्स इन योर नोटबुक। अब आपने क्या करना है आपने अपनी मम्मा के पास बैठकर इंटरनेट यूज़ करना है और उसमें से आपने एक टॉपिक निकालेंगे हेल्दी एंड फिट लाइफ का और वो रेलिवेंट होगा स्पोर्ट्स से। क्लास टीचर ने जैसे यहाँ पेज रेडी किया हो आप भी एज इट इज़ रेडी करेंगे और उस टॉपिक को यहाँ पे
राइट करेंगे और लर्न करेंगे। क्लास नेक्स्ट पेज में हमारे पास है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इनके मैंने मीनिंग्स यहाँ पे राइट किए हैं, आप भी राइट करेंगे और इन्हें याद करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है होमोफोन्स। होमोफोन्स आर वर्ड्स डैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। होमोफोन्स होते हैं ऐसे वर्ड्स पेयर में होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन उनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऊपर वाला वर्ड है राइट, नीचे वाला वर्ड भी राइट है। ऊपर वाले वर्ड का मतलब है दुरुस्त, नीचे वाला जो वर्ड है उसका मतलब है देखना। आपने ये देखना है अगर साउंड सेम है तो उनके स्पेलिंग और मीनिंग्स है वो डिफरेंट है, तो आपने ध्यान से इनके मीनिंग्स यहाँ पे राइट करना है, इन सेंटेंसेस को रीड करना है। जैसे टीचर ने यहाँ पे मीनिंग्स राइट किए, आप आपकी बुक पे राइट होनी चाहिए क्लास। क्लास नेक्स्ट एक्टिविटी में है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट होमोफोन्स। यहाँ पे हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स और यहाँ पेयर ऑफ होमोफोन्स हैं। फर्स्ट है आई सॉ डैश राइस विद माय सन। अब यहाँ पे एस यू एन सन सूरज वाला आएगा और एस यू एन सन बेटे वाला आएगा, तो आपने ध्यान से इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है, अच्छे से याद करना है। यूज़ द गिवन होमोफोन्स इन योर सेंटेंसेस। जब यहाँ पे हमारे पास फाइव पेयर्स ऑफ होमोफोन्स हैं तो आप इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। क्लास आप अपनी कॉपी का पेज रेडी करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड्स की जगह पे लिखा होमोफोन्स और सेंटेंसेस में किए हैं फेयर। He has fare to travel by train fare. I saw a fare in the village. आप इन्हें एज इट इज़ लिखेंगे और अच्छे से इनके याद करके रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे। लिखना ये आपने नीट कॉपीज पे है, प्रैक्टिस इसकी रफ कॉपी पे करनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास अनसक्रैम्बल द वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स। यहाँ पे कुछ हमारे पास लेटर्स है जो आगे पीछे दिए गए हैं, जब हम उन्हें अरेंज करेंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा, तो आपने इन इस एक्टिविटी को इस एज इट इज़ सॉल्व करना है और इनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है। ग्रामर में हमारे पास आज है प्रोनाउन। प्रोनाउंस आर वर्ड्स डैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस, फॉर एग्जांपल आई यू वी दे अस एंड आवर इटीसी। प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमें हमेशा एक सेंटेंस में नाउन की प्लेस पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप। यहाँ पर हमारे पास वी और आवर जो है वो प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स। इसी तरह मैंने जो प्रोनाउन के एग्जांपल्स उन्हें हाईलाइट किया आप भी करेंगे। एक्टिविटी हमारे पास है रीड द यूनिट अगेन एंड सर्कल एनी फाइव प्रोनाउंस देन यूज देम इन योर सेंटेंसेस। आपने एक लेसन को अगेन रीड करना है और फाइव प्रोनाउंस को लेसन में से सर्कल करना है, देन उनके सेंटेंसेस अपनी नीट कॉपी पे मेक करने हैं। क्लास आप देख सकते हैं कि इस पेज में मैंने फाइव सर्कल्स बनाए हैं, हर हिज आई वी यू एंड वी। ये पांच हमारे पास प्रोनाउंस है, देन अब इनसे सेंटेंसेस मेक करेंगे अपनी नीट कॉपीज पे। क्लास अपनी कॉपी का पेज रेडी करेंगे और प्रोनाउंस और सेंटेंसेस मेक करेंगे। हर आवर यूनिफॉर्म इज क्लीन, हिज फादर इज अ डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट, यू आर माय फ्रेंड, वी ईट हेल्दी फूड। अब इन्हें याद भी करेंगे और अपनी नीट कॉपी पे लिखेंगे भी। क्लास नेक्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस के ही टाइप्स हैं हमारे पास। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर ऑफन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, हु एंड व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है यानी कि सब्जेक्ट में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर ऑफन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, हु और व्हाट वाज एक्टेड अपॉन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिस चीज़ पे कोई बात हो रही हो या जिस पे कोई काम हो रहा हो। आ प्रोनाउन डैट शोज पोजेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। और पोजेसिव प्रोनाउन होता है मलकियत, यानी भी किसी भी चीज़ की मलकियत शो करना, यानी कि अगर ये पेंसिल है तो ये पेंसिल किसकी अंडर है, यानी ये पेंसिल का मालिक कौन है। अब यहाँ पे मैंने इस पेज पे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस की एग्जाम्पल्स को हाईलाइट की है, आप भी इन्हें हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वर्क इन अ बिग कंपनी, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ या करती हूँ, तो यहाँ पे आई जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है। शी गेव मी द बुक। अब यहाँ पे बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो बुक किसको मिली है, मी को, तो इस वजह से मी हमारे पास आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। पोजेसिव प्रोनाउंस में है दिस बुक इज़ माइंड, ये किताब मेरी है, तो माइंड हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल है। एक्टिविटी है यूज टू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस ईच इन योर सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अब ये हम एक्टिविटी अपनी नीट कॉपी पे सॉल्व करेंगे। क्लास जैसे टीचर ने यहाँ पे पेज रेडी किया है और
तीनों प्रोनाउंस के दो दो एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस मेक किए हैं। आप भी इन्हें अपनी नीट कॉपीज में मेक करेंगे और अच्छे से याद करके रफ कॉपी पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे। सब्जेक्टिव में मैंने यूज़ किया है दे और आई, ऑब्जेक्टिव में अस एंड मी, और पजेसिव प्रोनाउन में योर्स एंड हिज। क्लास नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आ सब्जेक्ट वर्ब आ सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। यू ऑलवेज एग्रीज विद आर बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल केसेस। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब चेंजेस विद द नंबर एंड पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट। क्लास आपने याद रखना है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगल होगा तो उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो भी सिंगल होगी, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में आ रहा है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगी। यू एक वाहद एक ऐसा हमारे पास प्रोनाउन है जिसके साथ उन्होंने कहा है कि यू ऑलवेज एग्री विद आर। यू के साथ हमेशा आपने आर ही यूज़ करना है, चाहे वो सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो या प्लूरल, इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब चेंजेस विद द नंबर ऑफ द पर्सन और ऑफ द सब्जेक्ट। जो हमारे पास वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो हमेशा हमारे पास सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है, और उसी के अगर हमारे पास सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, सिंगल होंगे तो वो सिंगुलर ही यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे है डॉक्टर हारून इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे डॉक्टर हारून जो है वो एक सिंगल पर्सन है, तो इसके साथ हमने इज यूज़ किया है। द स्टूडेंट्स आर वॉशिंग देयर हैंड्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा तादाद में है, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है वो आर है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब यू जो हमारे पास है, मैंने आपसे यहाँ पे बताया था आपको कि यू अगर सिंगल में हो, सिंगल सब्जेक्ट में हो या प्लूरल सब्जेक्ट में हो, तो उसके साथ हमेशा आपने आर ही यूज़ करना है। आपने इन इन बॉक्सेस को अंडरलाइन करना है और इन्हें भी अंडरलाइन करके याद करना है। क्लास यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड टिक द वर्ब्स दैट एग्री विद द सब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंसेस हैं, तो आपने सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को टिक करना है। माई मदर लाइक्स या लाइक टू ईट वेजिटेबल्स। मदर जो है वो यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट हैं, तो हम उसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो लाइक्स होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, जो लोग सिंगल होते हैं, वीक होते हैं, उन्हें एस और ईएस का इजाफा या सहारा देकर हम उन्हें स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्पोर्ट्स कीप्स अस हेल्दी। अब स्पोर्ट्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो कीप आएगा, यानी कि स्पोर्ट्स के साथ पहले से ही एस लगा हुआ है, और उसके साथ जो वर्ब आएगा उसके साथ एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। क्लास नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है नरेटिव पैराग्राफ। अ नरेटिव पैराग्राफ रिटेल्स एंड इवेंट्स, इट हैज़ अ बिगनिंग, मिडल एंड एंडिंग। क्लास नरेटिव पैराग्राफ जो होता है, वैसा पैराग्राफ होता है जिससे एक पैराग्राफ को पढ़ के हमें पूरी स्टोरी का पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो नवीद के बारे में है। नवीद वॉज नॉट फीलिंग वेल एज वेल लास्ट नाइट, हिज ईयर वॉज एचिंग, हिज मदर टोल्ड हिम ही नीडेड अ डॉक्टर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे नवीद है उसके कान में जो है वो थोड़ा पेन है, तो वो उसकी वजह से वो रात सो नहीं पाया, तो उसकी डॉक्टर उसकी मदर जो है वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाती हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद उसको मेडिसिन देते हैं, और वो मेडिसिन खा के कुछ दिनों के बाद जो है वो रिकवर कर लेता है। अब यहाँ पर हमारे पास था स्टार्ट भी था, मिडल भी था, और उसका एंड भी था, यानी कि एक यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर एक पूरा पैराग्राफ है जिसे पढ़ के हमें पूरी स्टोरी की समझ आ गई कि इस पैराग्राफ में क्या हो रहा है। तो ये जो हमारे पास टॉपिक है नरेटिव पैराग्राफ, ये हमें यही डिफाइन करते हैं कि एक पैराग्राफ प्रॉपर होता है, उस पर प्रॉपर मिडल, बिगनिंग और एंड तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। राइट अ नरेटिव पैराग्राफ अबाउट एनी मेमोरेबल इंसिडेंट ऑफ योर स्कूल लाइफ। आपने क्या करना है कि अपनी स्कूल लाइफ का कोई भी मेमोरेबल इवेंट या इंसिडेंट जो है वो राइट करना है, और वो नरेटिव पैराग्राफ हो, यानी कि उस पर प्रॉपर उसका स्टार्ट हो, मिडल हो और एंड हो, जिसको पढ़ के पूरी समझ आ जाए। क्लास जैसे यहाँ पे टीचर ने पेज रेडी किया हुआ है और क्रिएटिव राइटिंग में अपनी अपनी स्कूल लाइफ का एक मेमोरेबल इंसिडेंट लिखा हुआ है, तो आप अपनी 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 स्कूल लाइफ का मेमोरेबल इंसिडेंट जो है वो अपनी नीट कॉपीज पे राइट करेंगे और क्लास के साथ शेयर करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारे पास है रीड द गिवन टेक्स्ट एंड सर्कल द वर्ड्स विद डिपथोंग्स। डिपथोंग्स इस पैराग्राफ को हम रीड करेंगे और इसमें जो डिपथोंग्स है उन्हें सर्कल करेंगे, जैसे टीचर ने यहाँ पे किया हुआ है। Write two words for each given consonant cluster. Consonant cluster भी आप पहले पढ़ चुके हैं, diphthong भी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास इनिशियल पोजिशन, फाइनल पोजिशन में तीन तीन एग्जाम्पल्स हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स की, जिससे हमने अब
टू टू वर्ड्स जो है वो मेक करने हैं अपनी नीट कॉपीज पे। क्लास आप अपनी कॉपी का पेज अच्छे से रेडी करेंगे नीट राइटिंग के साथ, और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आ रहे हैं मैं एग्जांपल देंगे, उनसे आप टू टू वर्ड्स जो हैं वो मेक करेंगे। इनिशियल पोजीशन में है एस टी आर एस पी आर टी एच आर, फाइनल में है एन टी एस आर एस टी एम पी टी। इन्हें अच्छे से याद करेंगे क्लास। क्लास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके हम क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो नीट कॉपीज पे राइट करके अच्छे से याद करेंगे। क्लास कॉपी का पेज से रेडी करके आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है हाउ डू यू स्पेंड योर समर हॉलीडेज, मेंशन सम एक्टिविटीज़। आपने यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। उसका आंसर है आई डू माई होमवर्क, विजिट माई रिलेटिव्स एंड स्पेंड माई टाइम विद माई फैमिली। सेकेंड है वाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन, वो शुड टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन टू स्टे हेल्दी। आप इन्हें अच्छे से याद भी करेंगे। क्लास क्वेश्चन नंबर थ्री है हाउ कैन जम्स मेक अस इल, जम्स अटैक द बॉडी एंड किल आवर बॉडी सेल्स एज अ रिजल्ट वी बिकेम इल। इन्हें अच्छे से क्लास आपने याद करके प्रैक्टिस करनी रफ कॉपीज पे। क्लास नेक्स्ट टॉपिक है मेक कंपाउंड वर्ड्स विद द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक बिलो। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं जिन्हें हमने मैच करके कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं, और इनमें जब हम कंपाउंड वर्ड बनाएंगे तो उसमें ज़रा भी स्पेस नहीं होगी। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सन, उसके साथ हम मैच करेंगे फ्लावर तो हमारा बन जाएगा सनफ्लावर। सेकेंड है व्हील, उसके साथ हम लगाएंगे चेयर तो ये बन जाएगा व्हील चेयर। आपने इसी तरह ढूंढ के फाइव वर्ड्स में होंगे तो आपने यहाँ पे उन्हें नीट राइटिंग में राइट करना है और याद करना है। क्लास नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। यहाँ पे हमारे पास पांच वर्ड्स दिए गए हैं, इनके आपने मीनिंग्स जो है आपको राइट करने और याद भी करने हैं। राइट टू नाउन्स इन ईच ऑफ द गिवन कॉलम्स ऑफ जेंडर नाउन्स। यहाँ पे है मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल एंड कॉमन। आपने इनकी दो दो एग्जांपल्स हैं वो अपनी बुक पे राइट करनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है रीड द गिवन टेक्स्ट, इन सर्कल द नाउन कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन दी प्रोपर नाउन। इस पैराग्राफ को आपने अच्छे से पढ़ना है और कॉमन नाउन को सर्कल करना है और प्रोपर नाउन को अंडरलाइन करना है आपने। नेक्स्ट एक्टिविटी है री राइट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपने इस पूरे पैराग्राफ को अपनी नीट कॉपी पे दोबारा राइट करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगल होगा तो उसके साथ इस्तेमाल होने वाली वर्ब भी सिंगल होगी, अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएंगी। अब हम ये पैराग्राफ राइट करेंगे। क्लास आप अपनी कॉपी का पेज रेडी करेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इस पैराग्राफ को राइट करेंगे। क्लास नेक्स्ट एक्टिविटी है री राइट द गिवन पैराग्राफ बाय यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। अब आपने इस पैराग्राफ को दोबारा अपनी कॉपी पे रीराइट करना है नीट कॉपीज पे अकॉर्डिंग टू द पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन का ख्याल रखते हुए अब हम इस पैराग्राफ को नीट कॉपीज पे राइट करेंगे। क्लास अपनी नीट कॉपीज का पेज रेडी करेंगे और ख्याल रखा करें कि जैसे ही टीचर ने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, बुक का पेज मेंशन किया है, एक्टिविटी मेंशन होती है बाज़ एक्टिविटीज़ पे, तो अभी एज इट इज़ लिखा करें, इससे आपको ही आसानी होगी। अब मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, आप भी इसका ख्याल रखते हुए पैराग्राफ को राइट करेंगे। क्लास हमारे पास इस लेसन की लास्ट एक्टिविटी है राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ अबाउट द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी की सबसे यादगार जो जर्नी होगी, जो सफ़र होगा, वो राइट करेंगे। नैरेटिव पैराग्राफ मीन कि उसमें प्रॉपर स्टार्ट मिडल और एंड होना लाजमी है। क्लास आप अपनी कॉपी का पेज रेडी करेंगे। पेज नंबर 65 पे एक्ट नंबर वन है हमारे पास मेमोरेबल जर्नी ऑफ लाइफ। मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ का जो मेमोरेबल जर्नी है वो राइट किया है। आप भी अपनी लाइफ का अपनी मर्जी से जो मेमोरेबल जर्नी होगा वो राइट करेंगे और क्लास में शेयर करेंगे। क्लास आई होप आप इस चैप्टर की आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस चैप्टर की अच्छे से रेडी करनी है, एक्टिविटीज़ को अच्छे से याद करना है। जो एक्टिविटीज़ नीट कॉपीज पे करने वाली है वो नीट कॉपीज पे करनी है, और बाकी उनकी प्रैक्टिस है वो रफ कॉपी पे भी लाजमी करनी है। जिन वर्ड्स के मैंने मीनिंग्स अंडरलाइन किए हैं वो आपने राइट करने अपनी कॉपीज़ पे, और इसके डिक्टेशन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। आई होप आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।